हमने मंगाई है कॉफी, हम वेट कर रहे हैं 12 बजने का। मेरी सिस्टर का बर्थडे है 12 बजे, तो हमने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। ये आ गई है हमारी कॉफी और ये बजा रहे हैं दारबुका, इसका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। ओह क्या हुआ, वेरी नाइस। मतलब रात में ये जगह और भी ब्यूटीफुल हो जाती है, एक बार तो आना ही चाहिए। ये देखिए बाहर से ऐसी है। देखिए गाइस 12 बजने वाले हैं, केक रेडी कर लिया है। ये है बर्थडे गर्ल, ये नेहा। और बर्थडे में रह गए हैं 5 मिनट, नहीं 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। हम बस ये केक काटने ही वाले, मेरा बर्थडे है, केक काटने ही वाले हैं गाइस। हमने बहुत वेट किया, हमें बहुत नींद भी आ रही थी, तो हमने कंट्रोल किया। कैसा लग रहा है आपको? ऑसम। टाइम होने वाला जल्दी, बस ही केक काटने में रह गए हैं 1 मिनट। जब तक कैंडल्स जलाइए। अब ये 12 बज गए हैं, कैंडल 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो गाइस, आज हमारा दूसरा दिन है धर्मशाला में, और अभी जब मैं आपको शॉप हम जाते हैं, यहाँ से स्वीट लेते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है धर्मशाला का फेमस। कुछ मिठाई बताइए, क्या मिठाई है? काजू कतली बताइए उन्होंने, जिस जो हमें ड्राइवर मतलब किया है ना। अच्छा चलो देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये यहाँ की फेमस है, टेस्ट करा सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये है यहाँ की फेमस मिठाइयाँ जो हम टेस्ट करते हैं। हाँ वो खिला रहे हैं। देखिए गाइस, कभी आपने आइसक्रीम बर्फी देखी? ये देखिए यहाँ पे आइसक्रीम बर्फी भी मिलती है। ये पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ का व्यू। हेलो हैप्पी बर्थडे, और कैसा लग रहा है? सीरियसली तो ये आपका बेस्ट बर्थडे होने वाला है। ओके सो लेट्स गो, आज नेहा दीपिका का सारा खर्चा करवाऊंगी। ठीक है, यू लुक गुड। ये ड्रेस किसने दी आपको? ये मुझे दिया नेहा दीपिका दोनों। अच्छा, यू लुक नाइस। चलिए अब चलते हैं पैराग्लाइडिंग करने। देखिए गाइस, ये है दानू, और यहाँ पे हम यहाँ पर आए हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, बुक करने के लिए। पैराग्लाइडिंग बुकिंग होगी यहाँ से, बुकिंग जो है मतलब लेने के बाद गाड़ी से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाके हमारी पैराग्लाइडिंग शुरू होगी। तो अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है, कैसा सीन है। और ये हमारी मैडम खड़ी है। हाँ जी मैम, हाउ यू फीलिंग देन? हम लोग जा रहे हैं अपना पहला एडवेंचर करने, जो हमने पहले कभी नहीं किया, पैराग्लाइडिंग। चलिए नाइस वेदर। पैराग्लाइडिंग के एरिया पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप दिखा दो मैं इक्विपमेंट्स पैराग्लाइडिंग के, ये सब हमारे भागेंगे। और ये देखो पूरा एरिया कितना ब्यूटीफुल है, ये गाड़ी है बड़ी मस्त सी, और ये है पैराग्लाइडिंग कैंप।
गाइज आई एम सो एक्साइटेड, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन पैराग्लाइडिंग। मुझे बहुत शौक है ये चीज़ें करने का। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। इसको पता नहीं क्यों डर लग रहा है। Guys, वो देखो हाँ, कैम से करी हमने। मुझे थोड़ा डर लग रहा है guys। इसको बहुत डर लग रहा है guys, मैं मर गई तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना guys। I am so excited actually। I am gonna lovely यार, lovely view। ये भाई साहब guys, वो जा रहे सारे के सारे उड़ उड़ के जा रहे हैं और हम भी जल्दी उड़ने वाले हैं। दीप, how do you feel? डरो मत यार, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। इधर देखो, चक दे फटे नाप दे खिली, जय माता दी, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये देखो भाई वहाँ से शुरू होगा। ये देखो आ रहे हैं, जा रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया यार। लेट्स गो देन, दिस इज योर बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे। कैसा लग रहा है? मेरा बर्थडे आज। हाँ बर्थडे है और ये तैयार हो रही है पैराग्लाइडिंग के लिए। देखो पैराग्लाइडिंग ऐसे आएगी भाई साहब। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? मैंने चश्मा ही पहना था कि ठीक से देख पाऊँ। अभी टाइट कर दिया उन्होंने? नहीं। ठीक है, ये देखिए अनीता रेडी हो गई है। इसका जो पैराग्लाइडिंग शूट है वो रेडी है। इट्स रियली स्कैरी, स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था मुझे डर, बट समवेयर इट इज रियली स्केरी। आई कैन शो यू लाइक कितना ये है, और ये थोड़ा सा ही रन अवे है, बिल्कुल थोड़ा सा। देखते क्या होता है। मेरे से नहीं हो रही, बोले बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा। चिड़िया की तरह उड़ रही हूँ। और आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू मी। हम नीचे उतर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरी हार्ट बीट बढ़ गई।
चालू है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैंने अपनी लाइफ का ये पहला इतना ही डेंजरस एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बट इट्स रियली स्कैरी बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइफ में एक बार अभी मैंने पैराग्लाइडिंग किया है। शुरू में मुझे डर लग रहा था, बट इन्होंने मुझे हिम्मत दी तो मैंने किया पूरा। सभी को करना चाहिए। माय नेम इज रोहन राजपूत। ये रोहन राजपूत है और इन्होंने मतलब बिल्कुल डर निकाल दिया मेरा और मुझे बहुत मजा आया। सीरियस, एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर कीजिए।